आज के वीडियो में आप लोगों को बतला रहा हूँ कि 2021 में जो वाहन का रोड टैक्स भरने का जो अपडेट आया है साइट पे, तो उसमें क्या है कि ट्रांजेक्शन फेल हो जाने के कारण अभी कुछ अपडेट आया है, तो नया अपडेट में कैसे उसको चेंज करना है आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ। सबसे पहले गूगल में जाना है, उसके बाद वहाँ पर वाहन लिखना है, 4.0 भी लिख सकते हैं या 1.4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा 4.0 सिटीजन सर्विस, उसके बाद इस पर क्लिक करना है। बहुत ही आसानी से आपका ट्रांजेक्शन जो पेंडिंग रहेगा या जो अमाउंट कट गया है वो फंस जाएगा, तो उसको कैसे क्लियर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी स्टेट होगा यहाँ पे चुन लेना है, झारखंड, और जो भी आरटीओ आपका होगा, जो गाड़ी का नंबर देख लेना कि उसके आगे क्या लगा हो, वहाँ पे ये आरटीओ पे चूज कर लेना और प्रोसेस करना है। उसके बाद पे योर टैक्स में जाना है, इसके बाद यहाँ पे गाड़ी का नंबर जो होगा वो डालना है यहाँ पे, उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स करना है। तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन जो पेंडिंग दिख रहा है, अब इसको क्लियर कैसे करना है, सबसे पहले इसको एप्लीकेशन जो नंबर है इसको आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लीजिए इसको सबसे पहले, ताकि आगे स्टेप में अगर आपको मांगा जाए तो उसको डालना है। उसके बाद क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मांग रहा है ट्रांजेक्शन नंबर, जो भी हम कॉपी किए थे इसको यहाँ पे हम डाल सकते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर वो कॉपी नहीं कर पाए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी का जो चेसिस का जो 5 डिजिट लास्ट 5 डिजिट यहाँ पे उसको डालना है। तो मेरे पास ट्रांजेक्शन नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर जिसको यहाँ पे बोल रहा है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, डाल दिए, और जो कैप्चा दिया है उसको हम यहाँ कैप्चा डाल देंगे 7FE। उसके बाद सो डिटेल्स करेंगे, ये जो ट्रांजेक्शन मेरा फेल है। उसके बाद क्या करना, देखिए मेरा ट्रांजेक्शन ये फेल क्या हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको हाईलाइट सब सेम ही दिखेगा, बट आपको यहाँ पे जे एच जहाँ पे यहाँ पे आना है, ये आपका यहीं पे क्लिक होगा, इधर उधर नहीं क्लिक होगा या कहीं ऑप्शन भी नहीं आएगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो आपको यहाँ पे आना, ट्रांजेक्शन आईडी के नीचे यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस मोबाइल में भी होगा। उसके बाद चेक टू बैंक क्लिक करना है और कन्फर्म पेमेंट करना है। ये आपका अगर बैलेंस कट गया होगा तो टैक्स अप टू डेट मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा, और अगर फिर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो फिर बैक करके अपना फिर से यहाँ पे आप जाके यहाँ से फिर से अपना स्टेट आरटीओ डाल के और अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ऐसे आप जो भी ट्रांजेक्शन फेल होता है उसको आप क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर पैसा कट गया तो आपका वो अप टू डेट हो जाएगा, नहीं कटा है तो फिर आपका यहाँ से फिर से उसको पे कर सकते हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।